हेलो फ्रेंड्स, दिस डॉक्टर अमित। और एज यूजुअल हेयर ट्रांसप्लांट के डोनर एरिया के बारे में बताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज मेनी ऑफ यू हैव बीन टोल्ड के एफ यू टी में स्कार्स आते हैं एंड एफ यू ई इज स्कारलेस। सो आई लव ब्रेकिंग दूज मिथ्स। आपके भ्रम को तोड़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपने पेशेंट के डोनर एरिया को दिखाना चाहता हूँ। 1 month हुआ है सर्जरी को। ओनली 1 month में आप देखेंगे, इनफैक्ट आप नहीं देखेंगे कि वहाँ पर कोई स्कार है। एफ यू टी का कोई स्कार विजिबल ही नहीं है, वेर एज पी यू कैन क्लियरली सी द थिनिंग। अगर आप स्ट्रेट अवे डोनर एरिया को देखेंगे, आपको क्लियरली ये जोन दिख रहा है वेयर देयर इज एब्सोल्यूट थिनिंग। यू कैन क्लियरली मेक आउट अ डिफरेंस, जो इन बालों में आपको क्लियरली ये डिफरेंस दिखेगा कि यहाँ पे बाल थोड़े डेंस हैं, यहाँ डेंस हैं, लेकिन यहाँ थिनिंग है। दिस इज द एफ यू ई जोन, यहाँ से एफ यू ई किया गया है। अब स्ट्रिप को ढूंढते हैं। मैं नीचे से ऊपर चलता जा रहा हूँ एंड मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रिप के निशान नहीं दिख रहे हैं, जो कि बहुत स्ट्रेंज है, बिकॉज आप सबको बोला जाता है कि एफ यू टी तो बहुत ज़्यादा विजिबल है और एफ यू ई स्कारलेस है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे एफ यू टी विजिबल ही नहीं है और एफ यू ई की थिनिंग हमको क्लियरली दिख रही है। सो फ्रेंड्स, बी वेरी कॉशियस अगर आपको बोला जा रहा है कि एफ यू ई स्कारलेस है। इट इज़ नॉट, एफ यू ई क्लियर स्कार्स आते हैं, वेर इज एफ यू टी की लाइन इज बेयरली विजिबल। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू गिव एज अ मैसेज टू एवरी वन जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दैट एफ यू टी से मत डरिए। एफ यू टी मच लेस स्कारलेस है एज कम्पेयर टू एफ यू ई। हीलिंग इज वेरी फास्ट एंड इवन इन टर्म्स ऑफ पेन, एफ यू टी और एफ यू ई का पेन मोरलेस कंपेरेबल होता है।